सभी को नमस्ते, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, जो कि ज्यादातर हिप जॉइंट में देखा जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस क्या कंडीशन है, कितना कॉमन है, कॉजेस की हम बात करेंगे, साइन और सिम्टम्स की हम बात करने वाले हैं, मोड ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डैमेज हो जाना, और एवैस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब यहाँ पे है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, यानी अगर किसी भी बॉडी के किसी भी टिश्यू पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो धीरे धीरे उस टिश्यू का जो है डैमेज हो जाता है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से टिश्यू का डैमेज हो जाना ये कॉमन है। वैसे तो ये कंडीशन बहुत ही रेयर है। बहुत एज ब्रैकेट की हम बात करना चाहेंगे, 30-50 इयर्स का जो एज ब्रैकेट होता है, 30-50 साल का जो एज ब्रैकेट है उसमें ये ज्यादातर देखा जाता है। किन में जो है एवैस्कुलर नेक्रोसिस ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे अल्कोहल कंजप्शन कॉमनेस्ट कॉज देखे जाते हैं, वो आपका अल्कोहल कंजप्शन है और आपका स्टेरॉयडल यूजेस है, यानी कि स्टेरॉयड ड्रग्स के यूजेस हैं। अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है कि सेवरल टाइम्स इन अ डे अगर बहुत ज्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उससे आपका ब्लड में फैट डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में फैट डिपॉजिट्स अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, तो वो आपके ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं, वजह से जो है बोन डैमेज होने लग जाता है। स्टेरॉइड्स आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो सिमिलर इफेक्शंस देखे जाते हैं कि स्टेरॉइड ओवर यूज से आपकी ब्लड में वैसे ही सेम फैट के डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा की देखिए, कोई इंजरी भी होती है अगर इसमें ऐसा देखा जाता है कि आपको फ्रैक्चर हुए हैं, इसी बात है बोन का फ्रैक्चर हो गया है बोन में, ट्रॉमा की ब्लड वेसल्स को भी जो है इंजर हो जाती हैं और इस तरीके से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और आपको जो है ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सर्टेन ट्रीटमेंट्स की कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी की, रेडिएशन जो थेरेपीज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में जो यूज होती है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपकी बोन वीक हो जाती है, ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है। अगर हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में ऐसा देखा जाता है, या फिर हम बात करें लिवर ट्रांसप्लांट में, ब्लड क्लॉट्स अगर बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा देखा जाता है, ब्लड क्लॉट्स देखे जाते हैं, तो वही बात है कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन का डैमेज। बात करना चाहेंगे यहाँ पे ल्यूपस की, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की, डायबिटीज में भी ऐसा देखा जाता है, किडनी की केसेस में, पैंक्रियाटाइटिस की केसेस में भी है। साइन और सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या लक्षण होते हैं अगर आपको एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, तो क्या साइन और सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बताना चाहेंगे कि इनिशियल स्टेजेस में तो साइन और सिम्टम्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता है, बट जैसे जैसे बोन का डैमेज होने लग जाता है साइन और सिम्टम्स डेवलप। इनिशियल स्टेज में आपको हल्का फुल्का एक माइल्ड पेन, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, जो कि सिर्फ प्रेस करते टाइम, जो आपका ज्वाइंट अफेक्टेड है वहां पे सिर्फ आप दबाते हैं तो आपको पेन महसूस होता है। नॉर्मली आपको पेन नहीं होता है इनिशियल स्टेजेस में। जैसे जैसे आपका डैमेज बढ़ता जाता है, बोन का डैमेज होता जाता है, वैसे वैसे जो है आपको पेन के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, आपको कांस्टेंट लगातार दर्द बना रहता है, जो है वो और कंडीशन वर्स होता जाता है और एक इतना ज्यादा बोन का डैमेज हो जाता है कि कई बार वो जो टिश्यू और जो बोन है वो कोलैप्स भी कर सकते हैं, यानी उनका बहुत सीवियर एक डैमेज देखा जा सकता है। ऐसे केसेस में आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है, यानी आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टेज है, स्टेज के अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसकी जांच कंफर्म होता है कि आपको एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, तो स्टार्टिंग में तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके जॉइंट्स को टच करके देखा जाता है, जो है फिजिशियंस आपके टच करके जो एग्जामिनेशन करते हैं कि कौन से टेंडर पॉइंट्स हैं, कब आपको ज्यादा पेन है, आपकी रेंज ऑफ मोबिलिटी चेक करने के लिए आपके मूवमेंट कराए जाते हैं कि कितना जो है मोबिलिटी अभी है, इसे करा जाता है। वैसे एक्सरे से लेटर स्टेज में अगर ज्यादा डैमेज है तो एक्सरे में फाइंडिंग्स आ जाती हैं, इमेजिंग टेस्ट, सिटी स्कैन की, एमआरआईज की, तो ये भी एक डिटेल व्यू दे देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। स्कैन एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन देखा जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्ट करा जाता है और उसके बाद उसका स्टडी करा जाता है, तो जो जहां पे डैमेज होता है बोन का और जहां पे हीलिंग होती है, तो एक अच्छे से व्यू वहां का ले लिया जाता है। प्रिवेंशन की, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, जब भी हम प्रिवेंशन बचाव की बात करते हैं तो हमेशा हम कारणों पे, रिस्क फैक्टर्स पे जाते हैं कि क्या वजह है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा अगर एल्कोहल कंजम्पशन है तो आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्टेरॉयडल यूजेस है ड्रग्स का तो आप उनको भी लिमिट कीजिए, थोड़ा एक वॉच रखिए कि आप स्टेरॉयडल ड्रग्स जो है कम ही यूज करें, कि अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है आप मेंटेन करके रखें। अभी साइन आपको अर्ली साइन डेवलप होते हैं,
तो एज सून एज आप अपने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। ट्रीटमेंट पार्ट की, ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। एलोपैथी की हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। एलोपैथी में भी थेरापेटिक ट्रीटमेंट भी है, यानी मेडिसिन के थ्रू भी है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट जब आपका कंडीशन बहुत सीवियर होता है, वर्स होता है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का जो गोल रहता है हमारा, आपका एक तो जॉइंट जो है इम्प्रूव हो, और एक पेन है वो रिलीव हो, कि आपको पेन में भी राहत मिले, कंडीशन है वो और ज्यादा जो डैमेज है उसको हम स्टॉप कर पाए। इस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, कि किस वजह से आपको एवियन है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, क्या आपका एज है, क्या लोकेशन है, कहाँ का एवियन है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस की लोकेशन क्या है। स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टेज है, किस स्टेजेस में आपको मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपके पेन को वो रिलीव कर सके। साइज आपको सजेस्ट करी जाती है, हमेशा देखा जाएगा कि अगर कॉज हमेशा आपका चेक करा जाता है। अब लेटर ऑन अगर आपका कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो ऐसे केसेस में सर्जरीज भी की जाती हैं। बोन ग्राफ्टिंग, अगर आपकी बोन का जो डैमेज हुआ है तो जो डैमेज्ड बोन है, यानी जो बोन डैमेज हो गई, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी बोन से, आप ही की बॉडी पार्ट का बोन लेके बोन ग्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, एक करा जाता है। ऑस्टियोटॉमी, देखिए ऑस्टियोटॉमी में क्या होता है, जो एक आपका अलाइनमेंट होता है, उस अलाइनमेंट में आपके जो डैमेज्ड ज्वाइंट है वहां पे प्रेशर ना जाए, तो उसको अलाइनमेंट को चेंज करा जाता है। टोटल हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, कई बार आपका टोटल ज्वाइंट भी रिप्लेस कर दिया जाता है, इतना ज्यादा डैमेज है कि जो आपका डैमेज्ड जो ज्वाइंट है वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है। एक सिंथेटिक इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन जो कि यूज होती है एवियन में। अब देखिए होम्योपैथी में भी काफी फैक्टर्स रहेंगे, आपका लोकेशन डिपेंड करेगा कि कहाँ पे है आपका, एक्यूट है, क्रॉनिक है आपका, क्या केस है आपका, साथ में क्या आपके अदर सिम्टम्स, होम्योपैथी में टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स भी आ जाएगा, इंडिविजुअल अप्रोच भी आ जाएगा। इसके अलावा अब ये टैबलेट फॉर्म में है, आपको जैसे मिल जाए, गोलियों में मिल जाए, लिक्विड में मिल जाए, हेक्ल अलावा दिया जाता है अगर आपका एवियन है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस है, अगर आपका जो का, तो जो के एवैस्कुलर नेक्रोसिस में हेक्ल अलावा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये टैबलेट फॉर्म में है, तो दो गोली दिन में दो या तीन बारी खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। आपका जो पेन रहेगा, पूरा फेशियल पेन देखा जाएगा, फॉस्फोरस भी आपका जो पेन की अगर हम बात करें, यानी कि जो का जो नेक्रोसिस है, जो का एवियन है, तो ऐसे केस में फॉस्फोरस भी इफेक्टिव है। तो ये दोनों ही मेडिसिन जो है काफी इंडिकेटेड है, और फॉस्फोरस ऐसे केसेस में भी यूज होता है जो मैच फैक्ट्रीज होती हैं, जहां पे मैच बॉक्स बनते हैं, तो उनका जो एक फ्यूम होता है उसको आप इनहेल कर लेते हैं, तो बहुत सारे से वर्कर्स भी कंप्लेन करते हैं, उनको अगर ऐसा हो जाता है, यानी अगर आप वहां पे काम करते हैं और उसकी फ्यूम्स को इनहेल कर लेते हैं और उसके बाद आपका बोन में नेक्रोसिस देखी जाती है, तो ऐसे केसेस में भी फॉस्फोरस इंडिकेटेड है। सबसे जरूरी बात है कि ये सभी मेडिसिन आपको साथ में यूज नहीं करनी है, आपको आपके केस के अकॉर्डिंग, वहां का एवियन है और आपके क्या सिम्टम्स है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो अर्निका मोंटाना दिया जाता है पोस्ट इंजरी, जैसे मान लो आपको चोट लग गई है और उसके बाद जो है ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं एवियन के, तो फिर ब्रूजेस भी देखी जाती है, नील भी पड़ जाती है, नीला नीला सा जो है निशान पड़ जाता है। फॉर्म में मेडिसिन हैं, ड्रॉपर्स इन पे लगे हुए हैं, अपने केस के अकॉर्डिंग जो भी आप मेडिसिन लें, और देखिए इसका कलर भी चेंज हो सकता है आपके प्लेस के अकॉर्डिंग, एक एक दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं। फिलिनम होम्योपैथी की इतनी अच्छी मेडिसिन है नेक्रोसिस के केसेस में, यानी अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे केसेस में सिफिलिनम क्वाइट इफेक्टिव है। फिलिनम जो नाइट एग्रेवेशन में, यानी रात को आपको बहुत ज्यादा पेन होते हैं, तो ऐसे केसेस में एकदम हाइड्रोफ्लोरिकम ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हो जाती है एवियन के केसेस में। रीजन, क्योंकि ये जो है आपके एक तो जो लार्जर ज्वाइंट्स होते हैं, जो बड़े ज्वाइंट्स होते हैं, उनका अगर नेक्रोसिस है तो बहुत ही अच्छे से यूज होता है, और साथ में ये ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव भी करता है। तो ऑरामेटालिकम आपने सुना होगा, टिश्यू का डैमेज है, डिस्ट्रक्शन है, बोन के डैमेज डिस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से यूज होता है ऑरामेटालिकम। ऑरामेटालिकम आपका जो नेजल बोन है, पैलेटाइन बोन है, इवन आपका जो मैस्टॉइड बोन है, यानी ये जो बोन है इनका अगर नेक्रोसिस देखा जाता है तो ऑरामेटालिकम बहुत अच्छा मेडिसिन है। आपके मुंह से स्मेल भी आती है, इतना ज्यादा डैमेज होता है कि फीटर और इस मुंह से स्मेल आना, टेल हेल्थ के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, डिप्रेशन सैडनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है ऑरामेटालिकम। कस्टॉक्स होम्योपैथी का ऐसा मेडिसिन है जो कि एवियन के केसेस में अच्छा है, और टिश्यू डैमेज अगर हो गया है, अगर आप कॉन्स्टेंट मूव करते हैं तो आपको राहत मिलती है, तो काफी इफेक्टिवली यूज होता है। अगर रूमेटिक अफेक्शन देखे जाते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे केसेस में रूटा, और ये जो मेडिसिन हैं रूटा, अर्निका, रस्टॉक्स, ये मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज होती हैं, अर्टिका, यूरेन, सालिशा, बहुत ही नेक्रोसिस के केसेस में काफी अच्छा मेडिसिन माना जाता है। पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, यानी चिल्लीनेस देखी जाती है, और वार्मथ अगर गर्मी होती है तो पेशेंट को राहत मिलती है। सिम्फाइटम, सिम्फाइटम फ्रैक्चर के बाद बहुत अच्छे से यूज होती है,
क्योंकि एक निटिंग कर देती है बोन की, बहुत अच्छे से बोन को जोड़ पाती है। तो फिर कैल है ये टैबलेट फॉर्म में है, स्टोर करती है जॉइंट को, रिस्टोर करती है। फिर एक पैक का R73 ड्रॉप्स है, ये ड्रॉप फॉर्म में है, ये जॉइंट पेन में बहुत अच्छे से यूज तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। डीटी रहने के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।